रिसेंटली पाकिस्तान से एक बड़ी न्यूज सामने आई थी इमरान खान के बारे में। तो न्यूज ऐसी है कि इमरान खान की कुछ ऑडियो लीक्स हुई है जहाँ पे वो फोन पे एक लेडी के साथ बात कर रहे हैं अबाउट सेक्स। अब ये जो ऑडियो लीक्स हुई है उनमें जो लड़की है उसका नाम है आयला मलिक। आयला मलिक एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और जर्नलिस्ट है जिन्होंने सर्व किया है एज अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली फ्रॉम 2002 टू 2007। ये इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रोमिनेंट मेंबर है। यहाँ पे रिकॉर्डिंग में क्या बात हुई है ये वीडियो में मैं बता तो नहीं सकता, बट दोनों अपनी सेक्सुअल लाइफ डिस्कस कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि इमरान खान की लाइफस्टाइल के बारे में किसी को पता नहीं है, और ये एकदम शॉकिंग है। अपने क्रिकेटिंग डेज में बहुत सारी मॉडल्स के साथ अफेयर रहे हैं, ये सब वो पहले ही कबूल कर चुके हैं। बात तो यहां तक है कि जब इमरान खान इंग्लैंड में काउंटी खेलने जाते थे तो उनके टीममेट्स बताते हैं कि वो हमेशा एक कन्वर्टेबल कार में आते थे एक ब्लॉन्ड लड़की के साथ। अपने क्रिकेटिंग डेज में पार्टी करना, अलग अलग लड़कियों के साथ घूमना, यहां तक कि ड्रग्स लेना, इसके भी आरोप उन पे लग चुके हैं। पर ये सब पहले की बात है, तब इमरान खान मैरिड नहीं थे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी और उनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं थी। इमरान खान ने अभी तक 3 शादियां की हैं। पहली शादी 44 साल की उम्र में जमैमा गोल्डस्मिथ के साथ 1995 में, और 1996 में अपने पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉर्म कर दिया और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में उतर गए। और 2004 में उनका अपनी पहली वाइफ के साथ डिवोर्स हो गया। उसका रीजन ये बताया गया कि जमैमा गोल्डस्मिथ इमरान खान की पॉलिटिकल लाइफ के साथ अडॉप्ट नहीं कर पा रही थी। अब दूसरी शादी इमरान खान करते हैं रेहम खान से 2014 में। रेहम खान एक ब्रिटिश पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, ऑथर और फिल्म मेकर भी है। इमरान खान रेहम खान से शादी तो कर लेते हैं पर यह शादी एक साल भी टिक नहीं पाती और 2015 में उन दोनों का डिवोर्स हो जाता है। रीजन सामने आता है कि इमरान खान के अपने ही पार्टी के औरतों के साथ अफेयर्स चल रहे हैं और ड्रग एडिक्ट होने का भी इल्जाम लगता है। और इमरान खान के सपोर्टर्स इन सारे एलिगेशंस को रिजेक्ट कर देते हैं। उनका मानना है कि रेहम खान गलत इल्जाम लगा रहे हैं। 2018 में इमरान खान फिर से शादी करते हैं बुशरा बीबी के साथ, और 2018 में ही वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और 4 साल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। 2022 में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में एक नो कॉन्फिडेंस वोट पास होता है अगेंस्ट इमरान खान। मेजॉरिटी होती है ऑपोजिशन पार्टी के साथ, इसलिए ऑपोजिशन पार्टी जीत जाती है और इमरान खान को पाकिस्तान की पीएम की पोस्ट से हटाया जाता है। अब जिस तरह की पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, एक बार कोई पाकिस्तान की पीएम पोस्ट से हटता है या रिमूव होता है उसके अगेंस्ट ऑटोमेटिकली करप्शन चार्जेस लगना स्टार्ट हो जाते हैं, असैसिनेशन अटेम्प्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये तो बहुत आम सी बात है, पर इमरान खान के सपोर्टर्स अभी भी ये कह रहे हैं कि ये ऑडियो फेक है, इसमें डीप फेक का इस्तेमाल किया गया है। सरप्राइजिंग बात तो यह है कि इमरान खान ने अभी तक ऑडियो को डिनाई नहीं किया है। एक इंटरव्यू में इमरान खान बोलते हैं कि इस्लाम कहता है कि दूसरे के गुनाहों पे पर्दा डालो क्योंकि इसका हमारे युद्ध पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये जो टेप्स हैं और ये जो वीडियोस बनाई हुई हैं, 28 साल की उम्र से कम 66% पाकिस्तानी है, उनके लिए सोशल मीडिया पे एक गन चलाना ये हमारी दीन के खिलाफ है। कुरान की आयत है कि अपने दूसरों के गुनाहों पे पर्दा डालो। इमरान खान यहाँ पे भी रिलीजन का नाम लेके अपने लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ऑडियो की फोरेंसिक टेस्ट के बाद पता चला है कि ऑडियो फेक नहीं है। अब सोचने की बात तो ये है कि यह ऑडियो है कब की। अगर यह ऑडियो 2018 और 2022 के बीच की है, कौन ऐसे लोग हैं पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी में जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के कॉल रिकॉर्डिंग करवा रही है। ये बात तो कहीं से छुपी नहीं है कि पाकिस्तान का पीएम सिर्फ नाम का पीएम होता है, बैक चैनल पे पाकिस्तान की आर्मी ही सब कंट्रोल करती है। अब ऐसी ऑडियो का बाहर आना एक क्लियर इंडिकेशन देता है इमरान खान और उनकी पार्टी का टाइम ठीक नहीं चल रहा है। अभी एक दिन पहले ही एक न्यूज आई थी कि पीटीआई के लीडर फवाद चौधरी सिडिशन का केस फाइल हुआ है और 2 दिन के लिए फिजिकल रिमांड पे लिया गया है। अब ऐसी न्यूज भी आ रही है कि इमरान खान का वीडियो भी आने वाला है किसी औरत के साथ। अगर कोई ऐसा वीडियो है और वो लीक हुआ तो 2 चीजें होगी। एक, इमरान खान का पूरा करियर पाकिस्तान की आर्मी खत्म कर देगी, या फिर इमरान खान को पाकिस्तान की आर्मी के साथ एक डील करनी पड़ेगी फिर से। और अगर इमरान खान डील करते हैं और वो सक्सेस होती है तो 2023 में इमरान खान फिर से इलेक्शन जीत के पाकिस्तान के पीएम बनेंगे, और अगर डील नहीं होती तो अगले 1 या 2 हफ्ते में आपको इमरान खान के अरेस्ट की भी न्यूज आ जाएगी। आपको क्या लगता है, इमरान खान अरेस्ट होंगे या फिर से पाकिस्तान के पीएम बनेंगे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।